It is strange that sword and words have the same letters. Even more strange is that they have the same effect on everyone if not handled properly. बहुत साल पहले हिमालय पर्वत प्रांत में ही एक साधु अपने 500 शिष्यों के साथ रहता था। वे एक बार घूमते-घूमते शिष्यों के साथ पांचाल राज्य आया था। तब पांचाल राज्य का राजा रेणुका था। राजा साधु और उनके शिष्यों के आदरातिथि किया। बारिश के मौसम होने से साधु वही राज्य में बहुत दिन ठहरे थे, फिर बाद में वहां से निकल गए। दिन भर सफर करके साधु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में रुके थे। वहां सभी शिष्य पांचाल राजा के बारे में बात करना साधु ने सुना। एक शिष्य कह रहा था कि राजा अच्छा स्वभाव के है, तो भी वे खुश नहीं है क्योंकि उनको बच्चे नहीं है। शिष्य के ये बातें सुनके साधु ने कहा कि उनको ध्यान में ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में राजा को भगवान के अंश से एक पुत्र होगा जो राजा का नाम रोशन करेगा। ये बातें सुनके सभी शिष्य खुश हुए। इन शिष्यों में एक दुष्ट स्वभाव का था। अगले दिन जब सब निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ये दुष्ट शिष्य ने उनके तबीयत ठीक नहीं है तो वो सफर नहीं कर सकता है कहकर उनके साथ नहीं गया। साधु सभी शिष्यों के साथ वहां से निकलने के बाद ये दुष्ट शिष्य वापस पांचाल राज्य गया और राजा को बताया कि वो राजा के बारे में सोचते वक्त भगवान ने उनके ध्यान में बताया कि राजा को कुछ ही दिन में भगवान के अंश से पुत्र होने वाला है। ये खुशखबर राजा को बताने के लिए वे वापस पांचाल राज्य आया है। ये बात बताने के बाद दुष्ट शिष्य वहां से निकलने के लिए उठा, पर राजा खुशी से वो शिष्य को उनके राज्य में ही रहकर उनके बेटा को आशीर्वाद देने को कहा। शिष्य रहने के लिए राजा ने वन में एक घर भी तैयार करवाया। दुष्ट शिष्य का योजना भी यही था। जैसा राजा ने रोका वो भी रुक गया। वो वन में शिष्य सब्जियां उगाने लगा। साधु होकर भी माली के हाथ से वो सब सब्जियां बेचकर पैसे कमाने लगा। सभी ने शिष्य का बुद्धि जान लिए, फिर भी राजा को शिकायत नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन बाद राजा को भगवान के अंश से पुत्र हुआ। सब उनको असाधारण देखभाल करते थे। जब राजकुमार 7 साल का था, तब पांचाल राज्य और उसके पड़ोस राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। अपने राज्य को बचाने के लिए राजा पड़ोस राज्य से युद्ध करने निकल गया। उस समय राजकुमार एक दिन ये दुष्ट शिष्य के वन देखने आया था। वहां राजकुमार काशाई वस्त्र में पहन के माली का काम करते हुए एक आदमी को देखा। 7 साल का राजकुमार काशाय वस्त्र में आदमी को देख के समझ गया कि वो माली नहीं है और स्वहित के लिए ही वो काम कर रहा है। फिर भी राजकुमार शिष्य को माली पुकारा। ये सुनके वहां के परिचारक हंसने लगे। इससे शिष्य क्रोधित हुए और राजकुमार को उसी वक्त दंड देना चाहा, पर ऐसा किया तो वो खुद मुश्किलों में पड़ेगा, इसलिए राजा खुद अपने पुत्र को दंड देने का स्थिति लाने के लिए योजना बनाने लगा। जिस दिन राजा युद्ध से वापस आने वाला है, उस दिन शिष्य उनके पानी के मटकियां तोड़ दिया।
वन पूरा विनाश करके बड़ी आवाज से रोने लगा। युद्ध से आने के बाद राजा ये शिष्य का आशीर्वाद लेने जब वन आया था, वहां वन और शिष्य का हाल देख के हैरान हो गया था। राजा और भी हैरान हो गए थे जब उन्होंने शिष्य से सुना कि वन का इस हालत का कारण राजकुमार ही है। शिष्य ने राजा को कहा कि राजकुमार के इस अपमान के कारण वो उधर एक क्षण भी नहीं रह सकता है। वो जाने के पहले पांचाल राज्य के विनाश का श्राप देने से पहले राजा को पूरा विषय की जानकारी देने के लिए रुका है। राजा शिष्य को शांत किए और उनके अप्रसन्नता के लिए माफी मांगे। तुरंत राजकुमार को लाने के लिए अपने सैनिक को भेजा। उस वक्त राजकुमार अपने माँ के गोद में खेल रहा था। सैनिक से बात समझ गया और राजकुमार उनके साथ राजा के पास गए। राजा ने राजकुमार के गलत बताए और मरण दंड दिए। तब राजकुमार ने कहा कि वे मरण दंड का लायक नहीं, क्योंकि वे कुछ गलत नहीं किया। राजकुमार ने ये भी कहा कि शिष्य पवित्र इंसान नहीं है, वो माली का काम करके बहुत पैसे कमाए हैं, इसीलिए राजकुमार शिष्य को माली पुकारा। राजा ने राजकुमार के बातें सही है समझ गया। जब सभी सैनिक उनको शिष्य के बारे में सच बताया और जब शिष्य का घर में बहुत पैसे मिले, इससे राजा को राजकुमार के ज्ञान के बारे में पता चला और उनको पट्टाभिषेक करने का निर्णय लिए। पर राजकुमार डाक भरा इंसान को आश्रय दिया अज्ञान राजा के साथ नहीं रहना चाहते हैं कहकर राजा बनने से इनकार किया। आखिर राजकुमार राजा से पिताजी शब्द शक्तिमान है, वो दवाई का काम करते हैं, अच्छे शब्द अच्छा काम करते हैं, बुरे शब्द गलत दवाई जैसा नुकसान करते हैं। आपसे गलत शब्द आए हैं, आपके आज्ञानुसार सैनिक मुझे मारने के लिए माँ के गोद से लाए थे, इसके लिए आप पश्चाताप करोगे, पर अब मैं जा रहा हूँ, कहा। राजा के कहने पर भी महारानी राजकुमार को रोकने का कोशिश नहीं की। भगवान के अंश राजकुमार राज्य से निकल गए और उनके सारा जीवन तप करते हुए हिमालय में बिताया। राजा ने शिष्य को मरण दंड दिए और तब से सोच समझ के भरोसा करते हुए राज्य का पालन किए। इंसान बातों से उसको समझने से अच्छा उनके काम और कर्मों से समझना चाहिए।